अच्छा लगा। अरे कम से कम महीने 2 महीने में ऐसा कैंप होना चाहिए। ये साहब आए थे मेरे पास, हमारे से मदद कुछ कर हो जाए आदमी पे, तो मैंने कुछ अच्छा किया उनके लिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इकट्ठा होकर ये कैंप होना ज़रूरी है। अच्छा, आपको कैसा लगा ये कैंप का? बहुत अच्छा लगा साहब आए मिलने के लिए। हमने भी सपोर्ट किया, हमारे ड्राइवरों को भी सपोर्ट करवाएंगे, आगे भी ऐसा लगातार रहेगा तो भी अच्छा लगेगा। इसके लिए हमारे तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या DRB अपना ट्रस्ट चाहेगी कि आप लोग भी सपोर्ट होकर साथ में काम करें और आगे साथ में एक और इससे बड़ा मेडिकल कैंप किया जाए? हाँ, हम उनके साथ में, कभी भी आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो मैं आपके साथ रहूँगा। आप भी साथ में हैं, जब भी आप सहयोग मांगेंगे उतना हम सपोर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you.
Thank you.
नमस्कार, हमारी आदरणीय सरपंच बानी बहन, मेरे साथियों, मेरे सीनियर ऑफिसर्स, ग्रामवासियों, हम लोग ONGC, आप जानते हो कि आपके पड़ोस में एक बड़ी इंडस्ट्री है। हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने गांव वालों के लिए, अपने सराउंडिंग के लिए जितना हो सकता है सरकारी तहत हम लोग करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसी सिलसिले में हम लोगों ने सोचा कि बहुत दिन हो गए अपने गांव वालों के लिए कोई मेडिकल कैंप नहीं किया। आजकल जैसे लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो कम से कम इस मेडिकल कैंप से ये पता चलता है कि हम लोग, एक आम आदमी जनरली चेकअप ही नहीं कराता है, कई कई साल तक कोई चेकअप नहीं कराता है जब तक उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो ये इस तरह के कैंप से ये फ़ायदा होगा कि आपको अर्ली स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये डॉक्टर लोग बताएंगे, ये सुझाव देंगे, हो सकता है उसके लिए बेटर ट्रीटमेंट के लिए आपको और आगे जाना पड़े, लेकिन कम से कम आपको जो प्री चेकअप है, मेडिकल चेकअप है, वो पूरा यहाँ पे होगा। और मैं चाहूँगा कि बामनी बहन और हमारे गांव वाले और भी अपने अड़ोसी पड़ोसी जो गांव वाले लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुला के लाएँ ताकि इस कैंप का पूरा फ़ायदा उठा सके। ये कैंप बॉम्बे की एक बहुत ही रिनाउंड संस्था है, RK मेडिकल एसोसिएट, और उसके ये डॉक्टर प्रधान हैं, यहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेटर शुक्ला जी हैं, उनके बेटे भी यहाँ पे हैं। तो ये लोगों ने बॉम्बे में भी बहुत मेगा मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और ये लोग इस तरह के काम में माहिर हैं, प्रोफेशनल हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए इनको यहाँ बुलाया बॉम्बे से। इनकी टीम में करीब 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं और आपने देखा होगा हर एक रूम में अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो मेरी यही विनती है कि गाँव वाले अपने साथियों को, अपने निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आएँ यहाँ पे और इस मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठाएं और जो ये डायग्नोसिस करेंगे उसको फिर आगे भी आप उपचार के लिए बेटर फैसिलिटी के लिए जाएं। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ONGC आपके लिए ही है और हम लोग जितनी कोशिश होती है पूरी मदद करते हैं। आपने देखा होगा इवन CSR के लिए, बामनी बहन शायद बताएंगे अभी थोड़ी देर में, हम लोगों ने आपके गाँव के लिए सड़क के लिए भी कुछ किया है, पेवर ब्लॉक्स वगैरह के लिए कुछ किया है, करीब 30 लाख का जॉब जो है उसके लिए करा रहे हैं। उसके पहले भी हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आगे भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें सबमिट करिए और हम लोग उसकी पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने साथियों का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज ना प्रसंगे गामना सरपंच एवं वामिनी बेन बे शब्दों के सौने मारा नमस्कार। आजना आपरा मेडिकल कैम्पना कार्यक्रम में उपस्थित ONGC हजीरा प्लांटना प्लांट मैनेजर साहेब श्री, HRના साहेब श्रीओ अने बाकी आ गामवासी अने बॉम्बे थी पधारेल डॉक्टर नी टीमो, हूँ सौने आपरा भाटपोर गाम में आवकारू छू अने आपने ONGC हजीरा प्लांट तरफ थी वर्ष में घनी वार आवा मेडिकल कैम्प मळ्या छे, दांतना छे, आँखना छे અને CSRમાં અત્યારે હાલમાં આપણે જોયું તો આપણા આસપાસ બાપાના મંડીની સામેની જે ગ્રાઉન્ડ હતું એમાં જે પેવર બ્લોકનું કામ કર્યું છે આપણે, એ ONGC CSRમાંથી થયું છે। અને આપણે જે પાણીની તકલીફ વેઠતા હતા, સૌથી મોટી તો સમસ્યા એ જ હતી કે આપણે પાણીની તકલીફ ઘણી વેઠી હતી, તો આપણને 15,30,000 રૂપિયામાં સૌથી મોટો ફાયદો ONGC હજીરા પ્લાન દ્વારા અન્ડરગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક બનાવવાનો મળ્યો છે। અને તેનાથી આપણે હવે દરરોજ પાણીની જે સમસ્યા હતી એ દૂર કરીને આપણે પાણીની સમસ્યા દૂર કરીને સગવડ કરી શક્યા છે, એટલે આપણે એમનો ઘણો આભાર માનીએ। અને આપણા જે બાકી રહેલા છે CSRમાં જે CC રોડના કામ એ પણ એમના તરફથી આપણા માટે અપ્રુવલ થઈ ગયા છે અને એ પણ આપણે નજીકના દિવસોમાં એ પણ આપણે પૂરા કરીશું। અને જરૂર હોય તો આપણને પાઠક સાહેબ તરફથી પૂરો સહકાર મળે છે અને બાકી રહેલા કોઈ પણ કામ હોય તો પણ એમણે આપણને સહકાર આપીને પૂર્ણ કરવા માટેની બાંહેધરી આપી છે, એ તબક્કે હું એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને આપણા તરફથી કંઈ એમની લાગણી દુભાઈ હોય તો તે બદલ ક્ષમા પણ માગું છું સાહેબ। થેન્ક યુ આજના આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહાનુભાવોનું સાલથી સ્વાગત કરવા માટે ડૉક્ટર ધર્મેન્દ્રજીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ પાઠકજીને સ્વાગત કરે। એક મિનિટ ભાઈ, ચાલો મેરી હોય કે નહીં,
सर थोड़ा ये वेरी गुड मानेंगे नहीं डॉक्टर धर्मेंद्र जी अठवाल साहब का स्वागत करिए। बस पाटल साहब का हो गया, बाकी बात जरूरत नहीं है। ठीक लाइन में सब छोड़ दिया। हां दो शब्द बोलेंगे प्रधान साहब। प्रधान साहब आप बताओ कि पूरे कैंप का क्या महत्व है और लोगों को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। ये भरत भाई रिस्पेक्टेड आरटीओ वाली जो रोड है मंच पे बैठे पाठक साहब अखवाल साहब धवन साहब डॉक्टर मले जी भाटा भाटा मंच के सामने हमारे बैठे भाटा के ऑपोजिट भाटपोर है रंजन जी भाटपोर बामी मैम माननीय सरपंच के अलावा इस कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले जितने हमारे डॉक्टर सहपाठी हैं और मंच के सामने बैठे हुए जितने भी आगंतुक हैं उनको हमारे तरफ से हमारे डॉक्टर की तरफ से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की टीम की तरफ से सबको नमस्कार। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ कैंप रखने का क्या औचित्य है। आज से तकरीबन 6 महीना पहले हम लोगों ने एक मुलाकात हुई थी ONGC में और प्लानिंग हुआ था कि भाटपोर विलेज हमेशा एक सपोर्ट करते रहता है ONGC इतने बड़े प्लांट को, तो ONGC का भी एक कर्तव्य बनता है कि उनके स्वास्थ्य के प्रति कितना अच्छा ख्याल रखा जाए। और प्लानिंग हुई जिसमें मैं भी शरीक था और हमने गाइड किया कि यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो मेडिसिन मिलनी चाहिए उनके स्वस्थ रहने के लिए नहीं मिल पाती है, तो हमने अपने बॉम्बे टीम को कोऑर्डिनेट किया, यहाँ के टीम को कोऑर्डिनेट किया और यहाँ हर तरह के कार्डियक फैसिलिटी जो कि आमतौर पर गाँव में सुविधा नहीं मिल पाती है, आई ईयर नोज थ्रोट की आमतौर पर लोगों की तकलीफ रहती है और लोग इसकी जानकारी नहीं हो पाता है जिसके चलते ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं ले पाते हैं एंड कल होकर के वो बड़ा रूप ले लेता है जिसके चलते बड़ी खर्चे लगने लगते हैं। तो हमारी यही कोशिश है हमारे डॉक्टरों की टीम की कि उनको बेसिक रूप में हम छोटे से छोटे लेवल पर उनको हम डायग्नोज करके जाँच करके और उनको एक डायरेक्शन प्रदान कर सके, एक रास्ता हम दिखला सके कि उसका हम कैसे हम इलाज कहाँ पे इलाज कैसे इलाज मुफ्त में इलाज हम उसको हम करके उनको उनकी ज़िंदगी के लिए स्वस्थ कामना करने के लिए हम ये कर सकें। और RKHIV/AIDS रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड DRBA अपने आप में इंडिया की एक बहुत बड़ी एक मेडिकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हमेशा से कोशिश होते रहती है कि उन लोगों के की यहाँ पहुँच करके उनके स्वास्थ्य की हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम फैसिलिटी प्रदान करके उनके जीवन को खुशहाल जीवन बनाने में अपना एक हम रोल हम अदा कर सकें ये हम करते आते हैं। और ONGC हमेशा हर जगह की ONGC हमारे साथ सपोर्ट में रहती है और यहाँ भी खुल करके बड़े बढ़ चढ़ करके सामने खुल करके आई है कि हम हमेशा ही ONGC के इर्द गिर्द जितने भी वो लोग हैं जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है और नहीं हो पाती है उनको हम करने के लिए हम हमेशा आगे आते रहेंगे। और ये तो शुरुआत है और हम यहाँ के गाँव वासियों को सबको इन्फॉर्म किया गया बामनी बैंड की मदद से और इस गाँव के इर्द गिर्द के भी जितने भी ये हैं बाटा मोरा इच्छापुर उन सबको रिक्वेस्ट किया गया कि आ करके आप अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं और हर तरह के डॉक्टरों को जो कि बहुत महत्वपूर्ण डॉक्टर हैं जो कि
सूरत के साथ साथ बॉम्बे से तकरीबन 6 से ज़्यादा डॉक्टर आए हुए हैं, यहाँ से तकरीबन 12 से ज़्यादा डॉक्टर हैं, इनका आप लोग आ करके लाभ लें एंड उस महत्वपूर्ण मेडिसिन जो कि आमतौर पे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लोग खरीद नहीं पाते हैं, उस तरह की हर तरह की 11 लाख से ज़्यादा की मेडिसिन आई है, मैं चाहूँगा लेकर के अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में अहम योगदान प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि इस तरह की कैंप हम आने वाले समय में हम लगाते रहेंगे। धन्यवाद। आजकल कुछ कर रहे हो? कैमरा पीछे ले लो, छोड़ दो। अरे कैंप लगा हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आप जानते हैं कि यहाँ पे पास में ही ONGC हजीरा प्लांट है जो कि देश की काफ़ी ऑयल एंड गैस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यहीं से HBJ पाइपलाइन जाती है जो यहाँ से दिल्ली और उसके आगे तक जाती है। तो हम लोग और हमारी पूरी ONGC हजीरा की टीम एनर्जी में तो सबकी हेल्प करते ही है, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है CSR के तहत और वैसे भी हमारे जो सराउंडिंग के जो स्टेक होल्डर्स हैं कि हम उनकी हेल्थ का और दूसरी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें। तो उसी के तहत ONGC अक्सर CSR के फंड के तहत गांव वालों के पानी के लिए, स्कूल के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, इन सब तरह की हेल्प करता है। तो हम लोगों ने बॉम्बे के RK जो ग्रुप है इनके थ्रू, डॉक्टर प्रधान के थ्रू, सोचा कि लोगों के हेल्थ चेकअप भी कराया जाए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए। तो उसी के तहत ये ONGC ने ग्रांट दी है और ये मेडिकल चेकअप के लिए इस जगह पे इसको कराया गया। आगे ONGC की तरफ से लोगों को क्या क्या सुविधा और मिल सकता है मेडिसिन के अलावा? मेडिसिन के अलावा हमारे यहाँ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हम लोग उनको पानी की सुविधा, स्कूल की सुविधा, उनको बल्कि रोजगार में भी सुविधा देते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं और जो जो आपकी प्रोफेशनल टाइप की वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो भी देते हैं एंड कंप्यूटर देते हैं। सर आज DRBA ट्रस्ट की तरफ से एक मेडिकल कैंप रखा गया है, विजिट भी आप लोग पूरा टीम के साथ किया, कैसा लगा आकर के यहाँ पर? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कैंप लगाया है, रजिस्ट्रेशन है और कुछ 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ये 1x1 इनके प्रोफेशनल डॉक्टर्स आए हुए हैं और ये उनका लोगों का चेकअप कर रहे हैं और ये जैसे इन्होंने बताया कि करीब 10-11 लाख की ये मेडिसिन भी लेके आए हैं जो ये फ्री में डोनेट करेंगे जिन लोगों को जिस तरह की तकलीफ है। तो ये एक तरह के प्रिलिमिनरी चेकअप है और उसके लिए अगर मान लिया किसी को कोई सीरियस इलनेस है, कोई तकलीफ है, तो उनको फर्दर आगे दिखाना पड़ेगा, वो भी ये लोग सजेस्ट करेंगे कि उनको कहाँ जाना चाहिए। तो ये देखा जाए तो एक अच्छा कदम है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए और उनको प्रिलिमिनरी मेडिकल हेल्प देने के लिए। किसी पेशेंट को ज़्यादा हालात ख़राब होने हो जाए फिर ONGC का क्या सपोर्ट मिल सकता है उसकी? ONGC की कुछ स्कीम्स हैं, जनरली हमारे जो प्लांट में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर काम करते हैं उनको तो हम लोग देते ही हैं, उसके अलावा केस टू केस बेसिस पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट के अंदर या हम लोगों से जो एसोसिएटेड करीब मोर देन 1000 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं और उनके डिपेंडेंट्स भी हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वाइफ्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको हमारे कौन सा है सहयोग ट्रस्ट करके एक हमारी संस्था है जो ONGC ही चलाती है, उसमें उनको पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए, शादी ब्याह के लिए, लड़की की शादी वगैरह के लिए भी हम पूरी हेल्प करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे ONGC के बारे में? ONGC ने एक इस हाजरा एरिया में एक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमें बुलाया, आमंत्रण किया कि यहाँ के लोगों को हेल्थ के प्रति कैसे आगे बढ़ करके इनको सपोर्ट किया जाए, जिसमें ये पाठक साहब के अलावा हमारे डॉक्टर सरकार ने भी किया गया कि इस गांव को अगर हम टारगेट करें और यहाँ के लोगों को ये करें तो इनकी मेडिकल की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, यहाँ के सरपंच से मुलाकात की और उनकी सुझाव लेते हुए कि कौन सी जगह को अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो जाके लोग आराम से ज़्यादा संख्या में आकर के यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जगह स्कूल सेलेक्ट किया गया और जिसमें काफ़ी क्लाइमेट अच्छा है, पौधों का भी काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है एंड लोग तमाम लेवल पे आ रहे हैं और हम कोशिश करते हैं शाम तक भारी से भारी मात्रा में हम लोगों को जो इतनी सारी बॉम्बे से एक्सपेंसिव मेडिसिन लाए हैं उनको हम लोगों को दे करके उनकी खुशहाल जिंदगी
को हम कामना करते हैं, उनकी खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहते हैं। और ये आप जानते हैं कि RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड DRBI अपने आप को वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन है और इस एरिया में अभी तक नहीं पहुंची थी। एंड ONGC ने एक मौका दिया जिसके थ्रू यहाँ पहुँच करके लोगों को ये करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ के लोगों को खुशहाली देने के लिए हमारी टीम सतत काम करती रहेगी और इनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए हम हमेशा कामना करते हैं। आज मेडिकल कैंप रखा गया है, आज क्या क्या चीज़ों की सुविधा स्पेशल मिल रहा है ट्रस्ट की तरफ से? इसमें तकरीबन 11 से 12 लाख की हमने मेडिसिन, हर अच्छी तरह की मेडिसिन मंगवाई है। इसके अलावा कार्डियोग्राम रखा हुआ है जो कि आमतौर पर जो विलेज में नहीं हो पाता है, जिससे कि तमाम तरह के हार्ट की चीज़ें पता चल जाती है। ब्लड शुगर की, जो कि ब्लड शुगर बड़ा कमन होते जा रहा है, आज लोगों का स्ट्रेस और खान पान की गलतियों के चलते आज लोगों को ब्लड शुगर हो जाता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है जब तक ज़्यादा मात्रा में ब्लड शुगर ना हो जाए, तो उसकी इनिशियल लेवल पे जांच हो जाती है, तो हम उसको हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे सेकेंडरी ऑप्शन ये रखा है, यहाँ जो भी कैटरक्ट के मरीज आएंगे, जो भी ऑपरेशन की जिसको हर्निया, अपेंडिक्स, हाइड्रोसेल या और भी इसके अलावा भी जो भी ट्यूमर वगैरह की है, तो हमारे शुक्ला जी और जो हमारे जो डॉक्टर टीम है, हमारे डॉक्टर संजय, डॉक्टर एंड डॉक्टर प्रतिमा ने, ये लोग वहाँ से मोबिलाइज करेंगे कि उनको सिविल हॉस्पिटल में या चैरिटेबल और हॉस्पिटल में भेज करके उनको कैसे समाधान किया जाए। तो यहाँ बेसिक उनको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी था, जो कि हम और हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स करने में सक्षम हैं और करते जा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लेवल पर पेशेंट आए और उनको हम ये सुख सुविधा देने में हम कामयाब प्राप्त करें। धन्यवाद देखो ना, इकोलॉजी तो डिस्टर्ब हो ही रही है, पेड़ पेड़ लोगों ने काट दिया तभी तो गर्मी बढ़ रही है ना। हम लोगों को साल में एक आध दो तीन बार जो है ना पेड़ लगाओ अभियान लगाना चाहिए। एरिया आप लोग सेलेक्ट करो, अपनी टीम जाएगी, पौधे लेके आएंगे, ढंग से लगाएंगे, फिर गांव वालों को बोलेंगे जी इसको संभालो। अभी 5 जून को वो होता है ना एनवायरमेंट, उसमें सोचो हम बाटपुर में जगह हो, अगर सब आप नक्की करो, यहाँ पे ग्रीनरी कम है, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा करने के लिए लगाई जाए। आप 5 जून का कर लो, साहब आएंगे सब लोग, हम लोग सर मेन पावर की जरूरत पड़ेगी, मैं सुधा जी को बोल दूंगा। मेन पावर तो सर हमारे यहाँ बहुत चिंता है। अच्छा एक और है, जैसे इवन गाँव गाँव में भी सोलर पैनल वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, मतलब हम लोग कैसे मदद करें, वो लोग कैसे लगा सकते हैं, एक जॉइंट वेंचर टाइप का जो देवरा जी समथिंग कोई स्कीम होगी ना, मान लीजिए जैसे स्कूल होते हैं एक बार अगर ऑटोमोट ગુજરાતીમાં જ બોલું, આ શક્તિની દવા, કમળ અથવા અશક્તિની દવા લે, કૈસા લગા છે યહાં પે મેડિકલ કેમ્પ હુઆ તો अच्छा लगा, चलिए ओके थैंक यू। अच्छा लगा है, क्या क्या सुविधा मिला आपको यहाँ पे? तो बड़ी रीते सुविधा मिली, बड़ी सुविधा, जांच वाच का, जांच का सुविधा मिला, मेडिसिन मिला पूरा, चलिए ओके। ग्राम पंचायत की तरफ से ये अपना RKHIV एड्स की तरफ से मेडिकल कैंप रखा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिला, क्या चीज़ क्या चीज़ का? तो मेरे को गला की तकलीफ है वो भी मेरे को जानने मिला, वो आँख की तकलीफ वो भी जानने मिला, ओके, और शुगर प्रेशर भी तकलीफ मिल गया। तो शुगर प्रेशर का, ब्लड शुगर का जांच हुआ आपका? जांच तो नहीं हुआ, जांच का भी सुविधा है आपको? हाँ। जानकारी है कहाँ? हाँ। हो रहा है जानकारी का है, तो जाके चेकअप करिए शुगर का भी। हाँ। और मेडिसिन भी आपके हाथों में देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ का मेडिसिन लिए हैं आप? वो विटामिन की है, ओके, गला की है, गला की, वो आँख का भी बीमारी है, ओके ओके। तो आप एक बार शुगर का भी जाकर चेकअप करा लीजिए, ठीक है, सब चीज़ का सुविधा मिल रहा है, ओके। आज मेडिकल कैंप रखा हुआ है अपना DRBA की तरफ से, इसमें क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है यहाँ पे? हम जो भी यहाँ लोकल गांव के लोग हैं वो तकरीबन 500 से 1000 की संख्या में सुबह से आ गए हैं,
8:30 बजे से ये कैंप चालू हुआ है और लोगों को सब तरह की जो बीमारी है, आँख की बीमारी यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है, हड्डियों की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, ये सब की दवाइयों हम दवाई दे रहे हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पे है और पेशेंट को सभी चीज़ के लिए हैवी एंटीबायोटिक्स जो है सेप्रो और जो O2 है ये सब हम दे रहे हैं। जिनको इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ट्रीट किए जा रहे हैं और जिनको अस्थमा वगैरह है तो उनको भी ट्रीटमेंट दी जा रही है, स्टेरॉइड्स वगैरह और एंटीबायोटिक्स जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो दे रहे हैं। अब थोड़ा सा दवा के बारे में ब्रीफ कर पब्लिक को थोड़ा बता दीजिए प्लीज। बहुत सारी मल्टीविटामिन्स है जो, फिर कैल्शियम विद D3 है जो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं उनमें कैल्शियम और हड्डी की बीमारी है तो उनको हम दे रहे हैं टॉनिक्स। बच्चों को इन्फेक्शंस है कान के और रेस्पिरेटरी ट्रैक के तो उसके लिए भी कफ सीरप्स अवेलेबल है और एसिडिटी की दवाइयाँ जो कि लोगों को इधर गर्मी की इफ़ेक्ट से बहुत सारे को एसिडिटी की बीमारी भी हो रही है तो एंटासिड्स ये सब दे रहे हैं। डायबिटीज़ जो रेगुलर डायबिटिक्स और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको डायबिटिक की दवाई और ब्लड प्रेशर की दवाई दी जा रही है और जिनकी हड्डियों और नस में भी जो दिक्कत हो गई है प्रोलैप्स एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क या जो भी तो उनके लिए हम नर्व के टॉनिक्स भी दे रहे हैं। और इसके अलावा जिनको एलर्जी है, जिनको डिप्रेशन है उसकी भी दवाइयाँ यहाँ पर हैं। जी जो दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है सपोज डॉक्टर ने लिख दिया तो उसका क्या आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? हम रेफरेंस दे रहे हैं जैसे कि लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में या फिर कैटरेक्ट रिमूवल के लिए भी आए हॉस्पिटल्स में और बाकी के जो भी स्पेशलिस्ट आए हैं वो उनको रेफर कर रहे हैं और रेगुलर फॉलोअप वहाँ से किया जाएगा जो लोकल क्लिनिक्स हैं वहाँ से। ओके थैंक यू। सर आपके सूरत जैसा शहर में मेडिकल कैंप रखा हुआ है DRVA की तरफ से, RKHIV हो गया, ONGC ने सपोर्ट किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसने जो भी किया है वो सब अच्छे अभी सूरत में ऐसा पहली बार कैंप हो चुका है सर। आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला ONGC के साथ साथ? बहुत सारे सपोर्ट मिले हुए अभी तक तो आर्थिक की वजह से। क्या कहना चाहेंगे आज का मेडिकल कैंप के बारे में? नहीं जो किया है वो सबसे अच्छा किया हुआ है, अभी कोई ने अभी ऐसा ही किया हुआ नहीं है। पहली बार आपके शहर में हो रहा है? हाँ मेरे शहर में पहली बार हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे RKHIV के बारे में? नहीं जो भी किया हुआ है सब अच्छा किया हुआ है आर के बारे में। चलो थैंक यू सो मच। लो सर को ले लो। रिसर्च एंड केयर सेंटर और DRVA की तरफ से मेडिकल कैंप रखा गया, साथ में ONGC ने सपोर्ट किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ONGC और RKHIV द्वारा जो अभी कैंप चल रहा है मेडिकल कैंप जो फ्री, वो एक जनता के लिए अच्छा कार्य है और ऐसा ही कार्य आगे ये दोनों कंपनी मिल के करती रहे तो जनता के लिए अच्छा भी होगा। आगे आप लोगों से क्या आज कैसा लगा मतलब मेडिकल कैंप देख के, भीड़ भाड़ देख करके? अच्छा लग रहा है कि सूरत में ऐसा कोई मेडिकल कैंप हो रहा कि यहाँ फ्री निदान होता है, कोई चार्ज नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है सूरत। आगे क्या करना चाहेंगे आपके? आगे यही कहना चाहता हूँ कि RK और ONGC मिलके ऐसा ही कैंप करता रहे ताकि आम जनता को इसका लाभ मिलता रहे। ओके थैंक यू। Thank you.
मेडिकल कैंप रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं चाहती हूँ हमारे गांव में जो ONGC हजीरा प्लांट और DRVA की तरफ से जो ये मेडिकल कैंप हुआ है वो बहुत बढ़िया है, और सब हमारे आसपास के लोगों को और कंपनी वालों को, GIDC को, सबको इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है, सबको फ्री में मेडिसिन भी मिली है। तो मैं चाहती हूँ कि और आने वाले समय में और भी ऐसे बड़े मेडिकल कैंप हो और लोगों को और भी ऐसा बड़े फायदे हो। आपके क्षेत्र में मेडिकल कैंप किया गया, क्या क्या सुविधा मिला यहाँ के पब्लिक को? यहाँ के लोकल पब्लिक को जैसे कि आई की प्रॉब्लम हो कोई, और जो डायबिटीज़ गांव में लोगों को ज़्यादातर डायबिटीज़ होता है, उसके लिए वो आगे कहीं जाते भी नहीं है, तो इसके लिए ये बहुत बढ़िया सुविधा मिल गई। आगे क्या करना चाहेंगे आप अपना? आगे हम चाहते हैं कि ONGC हजीरा प्लांट और ये DRVA की तरफ से और भी बड़े और ऐसे कोई बड़े लाभ मिले गाँव को, बस हमें ऐसे आशा रखते हैं। यहाँ ये मेडिकल कैंप से यहाँ अच्छी दवाई मिलती है, अच्छा मेडिकल है, और यहाँ पे सब लोगों को मुफ्त में दवाई मिलती है। हम लोगों का चेकअप भी अच्छा किया है उस लोगों ने, और हमको दवाई भी मिली है, सभी लोगों का सभी दर्द के सभी दवाई मिलती है। क्या क्या दवा मिला, कौन सा दिखाएंगे थोड़ा सा, जो बिना पैसा का मिला है तो अपना दिखा के दवा लिया कि ऐसे दवा लिया? दवा दिखा के दवा दिया मैंने। ओके चलिए, क्या क्या सुविधा मिला आपको यहाँ? दवा मिला, बहुत कुछ मिला। और क्या मिला, क्या बीमारी है आपको? बीमारी कुछ नहीं, मैंने खाने के लिए शरीर के लिए लिया कुछ। कौन सा दवा मिला दिखाएंगे तो? चलिए लुक इधर, लोगों के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है। क्या सुविधा, क्या अच्छा मिल रहा है? सब कुछ, दवा मेडिसिन सब फ्री में मिल रहा है। आपने कुछ लिया? मैं डायबिटीज चेक कराने के लिए आया था, ना बोले नहीं है सर। डायबिटीज नहीं है कि ना बोले देखने से? देखने के लिए नहीं। ओके, क्यों ना बोले? नहीं, डॉक्टर चले गए सर। તમને બધી સેવાઓ મળી છે? હા, તમે બધા ડોક્ટર્સ મેડિકલ ડોક્ટર વિશે શું કહેવા માંગો છો? દવાઓ વધુ કાને ઓછો હંભરાય એવું છે?
ઓકે થેન્ક યુ કાનમિસ કમ્સ ઓન ટુ ફ્રી મેડિકલ ચેકઅપ કેમ્પનું આયોજન થઈ રહ્યું છે તો તમને કેવું લાગે છે અને કઈ કઈ સેવાઓ તમને અત્યારે અહીં મળી રહી છે બધા ડોક્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ અવેલેબલ છે ફ્રીમાં દવાઓ વગેરે બધું ચેકઅપ ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે તમારે શું લેવા માંગો છો ઓ સારી થેન્ક યુ ઓ યાર લીજી